हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीआरसी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के बारे में। ऑब्वियसली दोस्तों, आपको आपका अपना एडमिट कार्ड मिल चुका होगा और आप सभी को पता होगा कि आपका जो है स्टार्ट कब से हो रहा है फिजिकल। तो दोस्तों, फिजिकल की तैयारी जो है हम स्मार्ट नौकरी चैनल पर करवा रहे हैं। आपको पर डे आपको एक वीडियो देंगे ताकि आपको ये समझ में जो है आसानी आए और कैसे आपको जो है क्रैक करना है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल टेस्ट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एक्चुअल कि आपको जो है जो ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम पास करना तो अभी फ़िलहाल सेकंड राउंड में है, लेकिन जो फिजिकल टेस्ट पास करना है वो बहुत ही ट्रिकली है और आपको बिना ट्रिक के जो है आप इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप अगर सोचते हैं कि मेहनत से सिर्फ मैं रनिंग करूँ, चिनअप पुशअप और सिटअप मारूँ तो मेरा शायद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसमें। और प्रोसेस ये है कि आपको जो है 17, 18, 19, 20 ऐसा सिटअप्स है, तो आपको काफ़ी जो है मेहनत करनी होगी। तो आज हम बताएंगे आपको फिजिकल टेस्ट में, पहले फर्स्ट डे है आज, तो आज हम बताएंगे आपको रनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रनिंग कैसे आपको क्रैक करना है, सही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नई भर्ती आती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, हम आपके लिए कहते हैं सभी जॉब के नोटिफिकेशन की वीडियो स्मार्ट नौकरी पर। और सबसे खास बात ये दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलती है रोज़ प्रतिदिन एक नई जॉब की नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले बता दूँ आपको फिजिकल में जो है आपका रनिंग का हाउ टू रन बेटर। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कैसे हम जो है रनिंग को अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकें। तो रनिंग का जो एक मापदंड होता है, जिसे हम कहते हैं एक मेजरमेंट होता है, हर चीज़ का एक सही तरीका होता है, बिना उस सही तरीके के हम उस चीज़ में सक्सेस नहीं पा सकते। भागना सभी को आता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो कोई नया बच्चा है वो नहीं भाग सकता, जी नहीं, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, चाहे सीनियर में हो, सभी लोग को जो है रनिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है ऑब्वियसली। लेकिन हम एग्ज़ाम क्रैक करने की बात करें, यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर गाइडलाइंस लेते आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कोचिंग क्लासेस यूज़ करते हैं, जो रनिंग के लिए स्पेशली फिजिकल जो है फिटनेस ट्रेनर से सीखते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी ऑनलाइन हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन सभी को कि रनिंग से पहले कुछ चीज़ों पर आप फोकस कर लीजिए। जैसे कि देखिए, पहले हेड देखिए, आपका जो हेड है वो सेम इसी पोजीशन में होना चाहिए, और नेक का जो पोजीशन है वो देखिए एकदम स्ट्रेट, और आपका जो ये एल्बो है, जी हाँ दोस्तों, हाथ का ये सब देखिए एकदम सेम जो है आपको इसी पोजीशन में भागना है। आप हाथ एकदम स्ट्रेट करके भागेंगे तो भी आपकी जो है रनिंग की स्पीड नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। तो ये जो है आपका फुटवर्क देख लीजिए, फुटवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटवर्क में इस प्रकार आपको जो है यहाँ पे 90 डिग्री का जो है आपको देखिए एंगल बनता है, तो ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लेग में ये है, ये जो स्ट्रिंग गाइड लिंक है ये फॉरवर्ड वाला, तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है। और पैर कैसे आपको रखना है देखिए, फुट अप्रोच फ्रॉम अबो, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो ही आप दोस्तों जो है एग्ज़ाम में जो है रनिंग को इजीली क्रैक कर लेंगे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा दिक्कत होता है जो बच्चे नए नए जो है प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्वियसली सभी लोग जो है रनिंग के मामले में, फ़िटनेस के मामले में इतना बेहतर नहीं होंगे। काफ़ी ऐसे स्कॉलर्स बच्चे हैं जो सिर्फ तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की और फिटनेस पर इतना फोकस नहीं कर पाते, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कोई भी कोई सरकारी जॉब मिल जाए, चाहे सिक्योरिटी गार्ड के हो, चाहे BSF में हो, चाहे आर्मी में हो। तो आपको रनिंग के लिए जो प्रॉपर गाइडलाइंस हुए हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको फोकस क्या करना है, अपने डाइट पर। जी हाँ, डाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने पीने पे बहुत फोकस करना है। स्पेशली आप जो है लिक्विड पे फोकस कीजिए, लिक्विड में यहाँ पे मतलब ये है कि आप जो है ऑरेंज जूस को ज़्यादा लीजिए। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप जो है पानी पीते हैं जूस में, लिक्विड में, वो आपको बहुत ही बेहतर है। पानी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा पानी की एक बॉटल अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि जब भी आप रनिंग के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बॉडी में आपका जो है डिक्रीज होती है वो है वाटर लेवल। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भागते हैं आप, पता है आपको ऑब्वियसली पसीना होता है, पसीने से आपकी जो है बॉडी में जो है वाटर की जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, तो वहाँ से आपकी एनर्जी जो है लो हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि पानी का बॉटल आप हमेशा कैरी कीजिए। और ये प्रैक्टिस आपको दोस्तों एक दो दिन में नहीं होने वाला है, साफ साफ मैं बता दूँ। कोई भी आप जो है एग्ज़ाम, आप ये सोचते हैं कि मैं हफ्ते भर में जो है दौड़ के निकाल लूँगा, तो ये सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ गलत है। कोई भी आप रनिंग हो, चाहे वो 100 मीटर की हो, चाहे 1.6 किलोमीटर की हो, चाहे 800 मीटर की हो, फीमेल्स के लिए भी, मैं सबकी बात बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिए मेरे पास 7 दिन है, मैं 7 दिन में दौड़ कर निकालूंगा। नहीं, आप नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो आप हर कोई सोचिए ज़रूरत ही क्या होती किसी को कड़ी मेहनत करने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको जो है एक लंबा समय देना होगा, यानी लगभग कम से कम 25 से 30 दिन का जो है आपको समय देंगे, तब जाके आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि सांस किसी के जो है फूलने लगती है भागने पर, ये सब चीज़ें आपकी नहीं होंगी। और जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको ये जो मैं किसी और के एक्सपीरियंस में, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी लास्ट ईयर 2018 में जो है, लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 में जो है RPF का जो है भर्ती निकले थे जब,
तो उसका जो मैंने फॉर्म दे रहा था उसमें भी रनिंग के लिए 800 मीटर था, तो वहाँ पे भी दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमने फॉलोअप की थी। तो ये मैं आपको बता दूँ, रनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोचिंग क्लासेस के थ्रू आपको काफ़ी अच्छा गाइडलाइंस भी मिलता है। लेकिन अगर आप लोग नहीं एलिजिबल है तो आपको जो है प्रॉपर जो है एजुकेशनल वीडियोज़ देखने होंगे, कैसे आपको रनिंग करना है, क्या क्या आपको ट्रीटमेंट है। जब आप फिजिकल के जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी घंटे जो है बैठना पड़ता है ज़मीन पर, जी हाँ दोस्तों। और गार्डन में जब आप बैठे रहते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलते, जी हाँ सबसे हिसाब से। तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, लिक्विड का। तो ये लिक्विड को जो है आप अपना आधारभूत बना लीजिए, पहले से ही जो है आप फ्रूट्स लिक्विड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें जो आपको कैरी करने को मिलेंगी। ऑब्वियसली आप पानी बॉटल में जो है जूस वगैरह भर के ला सकते हैं, वो पी सकते हैं, उसके बाद आप दौड़ने के लिए जो है गार्डन में जो है जा सकते हैं ट्रैक पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रनिंग में आपको ये सारी चीज़ें फोकस करनी है, खाने पीने पर बहुत ज़्यादा स्पेशली ध्यान देना है। और उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि कम से कम आप 25 डेज़ को आपको दे जो है देना ही पड़ेगा इसके लिए। और 25 डेज़ के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मॉर्निंग में, जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग में अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चांसेस हैं। ऑब्वियसली मॉर्निंग का समय इसलिए बताता हूँ कि मॉर्निंग में जो है सुबह सुबह होती, बॉडी जो है एकदम रिलैक्स हुई रहती है रात भर, तो आपका बॉडी जो है एकदम रिलैक्स होता है, कोई भी जो है टेंशन नहीं होता, कोई भी प्रेशर नहीं होता बॉडी पे। और जब यही चीज़ आप शाम को करते हैं थोड़ा दिन भर की जो थकावट है वो सब बॉडी पे दिखाई देती है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप स्पेशली मेरा मानिए तो आप मॉर्निंग में ही ज़्यादा रनिंग कीजिए। और रनिंग के लिए भी आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम, जी हाँ दोस्तों, 3 किलोमीटर आप पर डे जो है रन कीजिए। आप टाइम लीजिए, इसमें ज़रूरी नहीं कि एक साथ आप रुक मैंने आराम से टाइम लीजिए, 1 घंटे में कीजिए, आप 20 मिनट में कीजिए, 15 मिनट में कीजिए, आप इसको आराम से टाइम ले लेके दौड़िए। और शुरुआती दौड़ में आपको ज़्यादा नहीं दौड़ना है, 3 किलोमीटर का जो है आपको स्केल रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है रनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप जस्ट 1 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, 1 किलोमीटर आप आराम से 500 मीटर एक बार भागिए, फिर 500 मीटर आप रिटर्न आइए, तो 1 किलोमीटर का आपका जो है क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। और इसके लिए आप जो 500 मीटर भागते हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए। फर्स्ट टाइम तो आप आराम से निकल जाएंगे, जब सेकंड टाइम आना होगा थोड़ा थकावट लगेगी तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा 15-20 मिनट का। तो इस प्रकार दोस्तों आप 1 किलोमीटर से स्टार्ट कीजिए, देखिए 25 दिन में, जी हाँ दोस्तों, आप आराम के साथ जो है भाग लेंगे और रनिंग का जो आपका इशूज़ है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टिप्स के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने रनिंग के बारे में बताया, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको चिनअप्स, पुशअप और सिटअप्स के बारे में बताएंगे। आपको पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी राय आपको देनी हो या भी कुछ गलतियाँ हो वीडियो के नीचे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।